¿Y con qué? सबसे पहले हम चलते हैं आधार में होते हैं। सबसे पहले हम वर्ग का आधार, वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग, पहला आपके वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का परिमाण, वर्ग का परिमाण 4 गुना 2, 4 1। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इसके बाद में मानते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 गुणा 2। इसके बाद हम आते हैं आयत, आयत, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसको लंबाई कहते हैं और चौड़ाई कहते हैं। एल यानी लंबाई, बी यानी चौड़ाई कहते हैं। आयत का परिमाण, आयत का परिमाण, आयत का परिमाण, आयत का परिमाण बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आता है आपकी लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना लेंथ। इसके बाद में आता है आपके आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण माता ए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत हो गया। आयत के बाद माता ए थर्ड नंबर पर वृत्त, वृत्त जिसका केंद्र होता है आपके वृत्त का केंद्र को, ये त्रिज्या आर, ये व्यास, व्यास की वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, वृत्त की परिधि या परिमाण, वृत्त की परिधि या परिमाण, वृत्त की परिधि या परिमाण का सूत्र होता है 2π r। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 2 गुना है, वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल,
व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद में आता है इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं घन घन आकृति। इसके 6 प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार वर्गाकार होता है। 6 प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार आपके वर्गाकार होता है। प्रत्येक भुजा घन की आपको आपके घन की प्रत्येक कोण बराबर होती है। घन की कोण को हम एल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। घन की कोण बराबर ए, घन घन का संपूर्ण प्रत्येक घन का संपूर्ण परिधीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण परिधीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण परिधीय क्षेत्रफल 6 × 2² है। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन की चार दीवारों का क्षेत्रफल 2 × 4 × 2² घन की चार दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 4 × 2² घन का घन पहले तो ले लेते हैं हम घन की तल का विकर्ण, घन की तल का विकर्ण, घन के तल का विकर्ण यानी अंडर रूट 2
घंटा विकर्ण हो गया आपके अंडर रूट थ्री और आप जा घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, घन के आधार का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ऊंचाई की भुजा, यह आ गया आपके भुजा की, भुजा की यानी एक की करके आयतन का परिमाप। ओके, इसके बाद हम लेते हैं आप घना, घना, घना में तीन गुणाएं होती है, प्रत्येक प्रश्न तालिका का होता है, घना के तीन गुणाएं होती है, प्रत्येक प्रश्न तालिका का होता है, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई घनाभ का समीकरण के क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण प्रजीव क्षेत्रफल, संपूर्ण प्रजीव क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण प्रजीव क्षेत्रफल बराबर दो गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, घनाभ का संपूर्ण प्रजीव क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, घनाभ के क्षेत्रफल होते हैं। आपके सामने के तीनों पर संज्ञा में तीनों पर बराबर होते हैं। इसके बाद होता है आपके घनाभ का पार्श्व प्रतिपल क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व प्रतिपल दो लंबाई वाला चौड़ाई, चौड़ाई वाला ऊंचाई बराबर दो लंबाई वाला चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको हम लिखते हैं चार दीवार पर परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। आपके पास इसके बाद में आपके घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण। अब आता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल ई एच,
अब आते हैं आपके बेलन। किसी भी आयताकार आकृति या आपकी चौड़ाई या लंबाई, आयताकार आकृति को यदि हम आधार से जोड़ते हैं तो ये बेलन हो जाता है। ये बेलन की आपकी ऊंचाई हो गई एच, ये बेलन की त्रिज्या हो गई आर। किसी भी तो वह बेलन बन जाता है। ये बेलन का आधार वाला होता है, ये इसकी ऊंचाई है। बेलन की दो वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, बेलन की दो वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर। बेलन के दो वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान लो आर प्लस एच हो गया आपके। इसके बाद में आते हैं आप बेलन का आयतन। बेलन का आयतन किसी भी आकृति का आयतन का कॉमन फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई हो गई आपकी h। अब आते हैं आपके खोखला बेलन। खोखले बेलन खोखले बेलन